दोस्तों, आज भी मनोरथ वीडियो तो भाई ने बताया है और आज अंकित मित्र जी आज विकासुर का कैप्सूल लिए हुए हैं, जो कि विकासुर किस काम में आता है और कैसे इसको खाना चाहिए और कब कब खाना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके बारे में विकासुर कैप्सूल के बारे में आज हम लोग बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा साल्ट मिला हुआ है और किस प्रकार का ये सब साल्ट हमारे शरीर की मात्रा को बढ़ाते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम लोग की जो वीडियो बन रही है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों नमस्कार, और हम और हमारे मित्र अंकित आज विकासुर कैप्सूल के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है और किस चीज़ के लिए काम में आता है। दोस्तों बताइए, आपके मुंह में उनकी छाले ये आपके मुँह में ताला हो रहा है ना, ये जिससे मुंह में छाला हो जाता है उसके चारों ये तान आएगा। एक तो बात, आज तो एक दो ही लेना है तान, ताला खाने के बाद उसको लेना है और मुंह में जितनी भी छाला है मुंह के चारों तरफ हो जाता है ये खत्म कर देगा, ये बंद कर देगा। इसमें फ्लोरिक एसिड भी मिला हुआ है, कैल्शियम भी मिला हुआ है। फ्लोरिक एसिड मिला हुआ है आप लोगों को बताए हैं हम, और इसमें देखिए कैल्शियम भी मिला हुआ है। कैल्शियम किस काम में आता है बताइए? कैल्शियम आपका आएगा, शरीर को मजबूती बनाएगा, शरीर तो मजबूती बनाएगा, आपके शरीर से कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हड्डियों में जो दर्द रहता है उसको बहुत ही अच्छा प्रकार से वो खत्म कर देता है। हाँ, काम करता है, खत्म कर देता है। और इसमें फ्लोरिक एसिड मिला हुआ है जो कि आपका वो जो खून है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। फ्लोरिक एसिड खून बढ़ेगा तो आप सही से चलेंगे, खाना पीना भी खाएंगे अच्छे तरीके से। और इसमें दोस्तों विकासुर कैप्सूल में देखिए विटामिन B12 मिला हुआ है जो कि विटामिन का काम भी करता है। और जैसे मुंह में पेट की गर्मी के कारण छाले पड़ जाते हैं तो ये पेट की गर्मियों को शांत करता है और जो आपके मुंह में छाला बनाया हुआ है उसको और अच्छे मात्रा में। इसके साथ अगर आपको दर्द भी हो रहा है, अगर दर्द भी हो रहा है तो आप तो जीरो डॉलर्स भी खा सकते हो, जीरा इतनी ताकते हैं एक जोड़ी। और इसके साथ आपको कोई भी चीज़ नहीं खाना है और इसको अच्छे तरीके से आपको सुबह शाम एक कैप्सूल लेना पड़ेगा। मैंने मनु बता दिया है, हम मतलब इसके बारे में डॉक्टर मना नहीं है, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, बस हम लोग इसके बारे में जितनी जानकारी थी हम लोग बता दिए। आप लोग डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसको खाएं, ऐसा नहीं कि हम लोग बता दिए और आप लोग खा लिए। बस हम लोग बताए हैं कि इसका क्या काम है और क्या क्या इसमें मिला हुआ और किस किस प्रकार का हमारे शरीर में ये उपयोग में कार्य करता है, बस इसी के बारे में हम लोग बताए हैं। धन्यवाद।